तुझे पता है जब तेरी सगाई नहीं हुई थी तब से मैं तुझे पसंद करती थी और मैं तुझे हमेशा अपने दामाद के रूप में देखती थी। मैं चाहती थी ना मेरी दोनों बेटियों में से किसी एक की शादी तेरे साथ हो जाए तो मजा ही आ जाए। Seriously? हाँ। किसी भी एक की? हाँ, किसी भी एक की। Well, I'm really sorry, Palki. ये तुम्हारा bad luck है कि तुम्हें राजवीर जैसा लड़का मिला। सुना है? You're the lucky one. तुम्हें hero मिला है भाई। Really? तो of course. तुमने बताया नहीं तुम क्या लोगे? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? कब से पूछ रहे हो तुम, बता नहीं रहे हो? कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, थैंक यू, अभी मुझे चलना चाहिए। अरे अरे ऐसे कैसे, मैं तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अब तुम हमारे घर आए हो तो कुछ तो खा पी के ही जाओगे, है कि नहीं? रुको, पलकी से चाय बनवाती हूँ मैं। अच्छी पलकी, जाकर अच्छी सी चाय बना कर ला जल्दी से। जी माँ, अभी लाई। आप इतना बोली नहीं है तो क्यों ना। पलकी जल्दी बना के लाइयो। जी माँ। वैसे आंटी, यू नो व्हाट आई थिंक, पलकी को ना राजवीर को छोड़ देना चाहिए। ये राजवीर पलकी को डिजर्व ही नहीं करता। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूं, पलकी कैन डू मच बेटर। वो चाहे तो राजवीर से 10 गुना बेटर लड़का अभी ढूंढ सकती है अपने आप के लिए। ये जो ओपिनियंस है ना तुम्हारे, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। जैसे तुम्हारे ओपिनियंस है राजवीर को लेके, ठीक वैसे ही मेरे पास भी बहुत सारे ओपिनियंस है तुम्हें लेकर। लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम अपने ओपिनियन अपने पास रखो, बिकॉज मैं इसे मानने वाली नहीं हूँ। ऑफ कोर्स पलकी, ऑफ कोर्स, तुम मेरे ओपिनियंस क्यों लोगी? तुम मेरा कोई भी एडवाइस क्यों सुनोगी? अकॉर्डिंग टू यू मैं तो एक बहुत ही बुरा लड़का हूँ ना। मैं किसी के लिए अच्छा करना तो छोड़ो, उनके लिए अच्छा सोच भी नहीं सकता। एग्जैक्टली। You know what, पलकी? मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा सोच रहा था और मैंने तुम्हें जो एडवाइस दी है वो बिल्कुल सच्ची एडवाइस दी, पर तुम नहीं समझोगे। अरे शौर्य, शौर्य, अरे शौर्य, शौर्य, तेरा बेटा, रुको तो। डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।